नमस्कार दोस्तों, सीता फूड रेसिपी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ आपके सामने बहुत मसालेदार एक रेसिपी लेकर। और प्लीज मेरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। तो आज मैं बनाऊंगी सत्तू की कचौड़ी। और सत्तू की कचौड़ी बनाने के लिए मैंने जो सामग्री ले रखी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो पहले मैं मसाले दिखा देती हूँ। अदरक मैंने एक टुकड़ा लिया था, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। अजवाइन लिया है मैंने साबुत, आम कुट पाउडर, लाल मिर्च, जीरा साबुत लिया मैंने, धनिया पत्ती इसे मैंने बारीक काट लिया है, हल्दी पाउडर, हरी मिर्च, तीन हरी मिर्च थी मैंने इसे भी बारीक काट लिया है। थोड़ी सी हम हींग लेंगे। इधर मैंने सत्तू लिया है 1 पाव, आटा लिया है मैंने 1 किलो। और इन सभी को छानने के लिए मैंने रिफाइंड तेल लिया है। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला लिया है। और यहाँ 3 प्याज मैंने कद्दूकस करके रख लिया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। और तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे हम। तो तेल मेरा थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी ये सत्तू। सत्तू पहले से भुना होता है, हमें थोड़ा ही भुनना है। भुनने के बाद इसका टेस्ट और अच्छा आता है। तो सत्तू मैंने भून लिया है, देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। तो अब हम इसे, मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूंगी। तो सत्तू भूनकर मैंने तैयार कर लिया है, अब मैं डालूंगी इसमें प्याज। हरी धनिया, जीरा, मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैं लाल मिर्च डाल दूंगी, आम कुट पाउडर मैं डाल दूंगी, आप चाहे तो इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। तो अब हम डालेंगे अदरक, अब थोड़ा सा डालेंगे हम चाट मसाला, थोड़ी सी मैं हींग डाल दूंगी ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। तो इन सभी मसालों को अब हम अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो सामान मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसे रख दूंगी। तो यहाँ मैंने आटा लिया हुआ है, आटे में मैं डाल दूंगी अजवाइन, थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। तेल डालने से कचौड़ी बहुत ही अच्छी फूलती है। तो इन सभी चीजों को हम हाथों से अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम पानी से गूंथ लेंगे। तो कचौड़ी का आटा हम पानी से गूंथ कर तैयार कर लेंगे। तो नमक, अजवाइन, तेल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ कर मैं तैयार कर लूंगी। आटा हमें ज्यादा कड़ा नहीं गूंथना है, क्योंकि इसमें हमें कचौड़ी भरनी है। जो मसाले मैंने सत्तू बनाकर रखे हैं, सत्तू के मसाले, उसी को इसमें भरना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूंथेंगे। तो कचौड़ी का आटा मैंने गूंथ लिया है, अब मैं इसे 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी थोड़ा सेट होने के लिए। तो इसके बाद हम कचौड़ी भरेंगे। तो 10 मिनट हमारे बीत चुके हैं, अब हम आटे को खोल लेंगे और इसे थोड़ा एक बार और घुमा लेंगे हाथों से। तो देखिए आटे कितने अच्छे, कितने नरम हुए हैं, इसकी कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब हम कचौड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे थोड़ी सी लोई और हाथों से घुमाकर हम ऐसे थोड़ा कटोरी की तरह इसको बना लेंगे इस तरह से।
और ये जो मैंने सत्तू भून कर रखा हुआ था ये भी अच्छे से देखिए सीझ चुका है। नमक इसमें कादे से अच्छी तरह से प्याज नमक सब मिल चुके हैं। तो अब मैं इसे भी थोड़ा सा इसमें उठाकर इसमें भर दूंगी। और इसे दोनों हाथों से इस तरह उंगलियों के सहारे हम इसे दबा देंगे और इसे बेलेंगे नहीं, कुछ हाथों से ही इस तरह से हम इसे दबा दबा कर इसे कचौड़ी बना लेंगे। हम एक एक करके लोई बना बना कर सारी कचौड़ियां हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गोला और चिपटा और भी बड़ा कर सकते हैं, इसे बेल भी सकती हैं। तो कचौरी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, अब मैं इसे तेल में तल लूंगी। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें तेल डालूंगी। तो तेल गर्म हो चुका है, अब मैं एक एक करके कचौड़ी इसमें डाल दूंगी। और कचौड़ी हमारी एक तरफ अच्छे से हो जाएगी तो हम इसे पलटकर दूसरी ओर भी अच्छे से तल लेंगे। तो कचौड़ी को हम अब पलट लेंगे। और हम इसे धीमी आंच में इसे धीरे धीरे तल लेंगे। तो कचौड़ी हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसे तेल से निकाल कर एक बर्तन में रख दूंगी। और इसी तरह सारी कचौड़ियां मैं तल लूंगी। तो दोस्तों आज की सत्तू की कचौड़ी मेरी बनकर तैयार है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक तोड़कर। ये कितनी सॉफ्ट कितनी अच्छी बनी हुई है, देखिए इसमें के सारे मसाले बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, कितने अच्छे से पक गए हैं। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो दोस्तों अगर मेरे सत्तू की कचौड़ी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।